गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी मॉर्निंग हो चुकी है और हमारी मॉर्निंग टीवी आ चुकी है। अब मेरा आज का प्रोग्राम है कसोल में स्टे करने का, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, मैं अब आपको बाहर जाके कुछ देर में आपको व्यू दिखाऊंगा पूरा, ठीक है? और व्यू आप देख के ना खुश हो जाओगे। एंड इसके बाद चलते हैं मणिकरण, जो यहाँ पे फेमस है, मणिकरण गुरुद्वारा, वहां चलते हैं और वहां क्या है कैसे है सब मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। सो गाइस, जो व्यू मैं आपको रात को नहीं दिखा पाया था और जिसके लिए मैंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रूम लिया था, वो व्यू मैं अब आप देखो। आओ मेरे साथ, सी द व्यू। ये पूरा एरिया देखो आप। तो इसके लिए रात को मैं नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन अभी मैंने दिखाया और बहुत बहुत प्यारा व्यू है, जस्ट लव इट। चलिए अब चलते हैं, अपन चल रहे हैं मणिकरण एंड बताता हूँ आगे सारा, ठीक है? मिलते हैं आपसे, चलिए। भाई मनाली में भी तो बर्फबारी थी, हमें पता था, लेकिन कसोल आया और कसोल को रात का जरा हिसाब देखो एक बार, मेरे सीट को पूरा बर्फ से कवर्ड है। मतलब कि यहाँ पे भी रात को हल्की हल्की स्नोफॉल वाला हुआ है, ताकि ये पूरा ऐसा हो गया है। सीरियसली तो ओस अंकल बता रहे हैं बर्फ वाली ओस वो जम गई है। किसी को दारू वारू के लिए चखना चाहिए तो मतलब वैसा चाहिए ना, तो वहां पे बर्फ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दारू लाए चखना लाए, बर्फ आपको मिल जाएगा यहाँ पे हिमाचल में। तो अब इसको करते हैं साहब और अपन चलते हैं ऊपर की साइड में, कहाँ जा रहे हैं दिखाता रहूंगा आपको रास्ते में, ठीक है? सो हम होटल से निकले थे तोस गांव के लिए, तोस पहुंच गए हैं, उससे ऊपर हम लोग जा रहे थे। लेकिन अब क्या सीन है ना यहाँ पे कि रोड सारा ओके था, लेकिन अब यहां से जो है वहां से पूरा बर्फ और रोड पूरा स्लिपरी हो रहा है। आप एक बार देखो पूरा देखा, ये सारे हर जगह बर्फ ही बर्फ है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बुलेट इससे आगे ले जाना चाहिए मेरे को बिना मतलब उंगली, क्योंकि बहुत वैसा बर्फ है काला वाला, तो मैं नहीं करता हूँ सजेस्ट। तो मैं यहाँ से वापस ले रहा हूँ, है ना, वापस चलते अपन, क्योंकि घूमने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो गाइज अब ये भाई भी हम लोगों को मिले, तो इनको भी मैंने मना किया है, क्योंकि ये बर्फ ऐसा है कि यहाँ पे बाइक स्लिप हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आपको जाना घूमने का स्वागत, आप रेंट पे कार या फिर वैसे आ जाओ, लेकिन बाइक से मत जाओ। तो अपन हम नीचे चल रहे हैं, ठीक है? चलो तो गाइस, बहुत तेज भूख लग रही थी और मणिकरण हम पहुंच चुके हैं, तो हमने सोचा कि गुरुद्वारे जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। तो मैंने पराठे ऑर्डर किए और चाय ऑर्डर किया है। चाय आ रहा, पराठे आ चुके हैं, चाय भी आ गया। सो इसे खा के डैन पे गुरुद्वारे में चलते हैं ना, और उसका देखते हैं क्या करते हैं, जो भी ये दिखा दूंगा मैं आपको, है ना? चलो
गाइस हम लोग मणिकरण गुरुद्वारा आ चुके हैं, आइए चलिए अंदर लेके चलता हूँ आपको। आप जूते चप्पल उतार सकते हैं। देन सो गाइस हम लोग मणिकरण गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले हमने यहाँ से गुरुद्वारे के अंदर, ये जरूरी है सर आपका कवर होना चाहिए, तो यहाँ पे कर ले। अब हम आगे चलते हैं, गुरुद्वारा आपको दिखाता हूँ पूरा, ठीक है। So, दर्शन कर दिए मैंने और प्रसाद मिला तो प्रसाद मैंने खा लिया है ना, बहुत टेस्टी था। तो अब चलते हैं, अब नीचे देखते हैं क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ साथ में। सो गाइस हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, अब यहाँ पे जो रिचुअल है, जो गर्म पानी आता है वहाँ मैं जा रहा हूँ हॉट वाटर बाथ लेने, और वहाँ से फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो भाई जाने जितने भी पाप किए होंगे ना आज तक, मैंने धो लिए, यहाँ पर आके मैंने नहा लिया, बहुत गर्म था फिर भी मैंने नहा लिया। अब पाप धो के आप चल रहे हैं प्रसाद लेने, खाना खाने या लंगर खाने यहाँ का, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाता हूँ, ठीक है चलते। तो लंगर खा लिया मैंने और बहुत प्रसाद खा के बहुत सुकून मिला है। अब इसके बाद हम चल रहे हैं, अब दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी जब भी मनी करना है तो गुरुद्वारा जरूर है। अब यहाँ से जाने का टाइम तो आ गया, लेकिन यहाँ की यादों के लिए, ताकि हमेशा याद रहे मुझे, तो मैं इसलिए यहाँ से ये खरीद के ले आ रहा हूँ और अब ले चलते हैं इसको, है ना। सो गाइस मैंने बहुत सारे ट्रिप मारे माउंटेन्स पे, लेकिन मैंने कभी अपने बुलेट पे नहीं लगाया। लास्ट टाइम इसलिए लगा पाया क्योंकि मिरर नहीं था, बट इस टाइम सब कुछ है तो मैंने ले लिया है। कुछ ऐसा दिखेगा लगने के बाद अपना, और एक है मैंने की रिंग लिया है इस टाइप में, जो कि मुझे अच्छा लगता है बुलेट पे, एक लोहा का कुछ भी लूंगा तो निशान बनाएगा, बट ये ओके अच्छा भी है। देखो अब चले चलते हैं आगे, ऐसे दिखाता रहा हूँ मैं आपको सब कुछ। सो भाई जब यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, सब कुछ यहाँ का डन हो चुका है मणिकरण गुरुद्वारे का, अब मैंने यहाँ से जो ये खरीदा था, ये दोनों मैंने बाइक पे लगा चुका हूँ और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है कि अब हमने माउंटेन एक्सप्लोर किया है। तो बस अब यहाँ से चलते हैं आगे की साइड में, फिर मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ठंडी वादियों में हाथ सेकते हुए, और प्लस देखो आपको जर्मन सेफर्ड लग रहा होगा, लेकिन जर्मन सेफर्ड नहीं है ये, यहाँ का देसी है। तो माउंटेन्स के डॉग के ब्रीड का यही एक प्लस पॉइंट है कि उनके जो बाल होते फर होते हैं बहुत हैवी होते हैं, उनको ठंड पता नहीं चलता, इंसान पगला जाए लेकिन इनको कोई इतना फर्क नहीं होता। बाकी ये जर्मन सेफर्ड नहीं है, मुझे भी यही लगा था जो आपको लग रहा होगा, बट ये नहीं है सीरियसली। और देखो कैसे शांति से बैठा हुआ, ओए इधर देख पोज दे, हाँ गुड गाय, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो मेरे से बिल्कुल हो गया। कम इधर, कम यहाँ, कम 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 कम, सिट डाउन। भाई ये क्या है, ओए नहीं गंदी बात, चल नीचे हो, ओए मुंह चला नीचे। कम 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 Give me your hand. Ah.
सो गाइस हम लोग आ चुके हैं कसौल के मेन मार्केट में और हम मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखा दूं यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ चलते चलते, है ना। तो ये यहाँ का मेन मार्केट में आपको सारी सामान मिल जाएंगे, सारी चीजें अवेलेबल है, बैग्स वगैरह, स्टॉल वगैरह, मफलर, ए टू जेड चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप ये देख सकते हैं बैग्स वगैरह, ये यहाँ के जो लोकल ड्रेसेज होते हैं सब होगा। तो ऐसी ये पूरा मार्केट ऐसी ही है और आपको सामान यहाँ पे मिल जाएंगे सारे, कभी आप आते हो कुछ भी बेसिक नीड हो यहाँ पे आप आके ले सकते हो। तो मैंने ये लिया है, ये मुझे 400 समथिंग का पड़ा है और अच्छा लुकिंग में, मैं भी यूज कर सकता हूँ। बाकी और भी कोई अगर फैमिली मेंबर या कोई भी वैसा यूज करना चाहे तो कर सकता है, नॉर्मली कैजुअल है, अच्छा ओके है, तो आप भी आओ तो देख सकते हो ना। अब हम लोग एक कैफे पे आ चुके हैं, द एवरग्रीन नाम है इसका। यहाँ पे हम सुबह पीते हैं, थोड़ा सा ठंड ज्यादा, सुबह वगैरह पी के फिर चलेंगे अपने होटल पे, रूम पे वापस, ठीक है। सो गाइस मैं होटल पे आ चुका और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, तो खाना भी मेरा आ गया है। अब मैं खाना डन करता हूँ, खाना फिनिश करके फिर सोता ही हूँ क्योंकि मुझे सुबह निकलना, तो मैं आपसे मिलता हूँ आगे, ठीक है।